אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले और जवाब में इसराइल की तरफ से युद्ध के ऐलान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हमास के हमले से पूरी दुनिया हैरान है। कई बड़े मुल्कों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने हिंसा की निंदा की है तो किसी ने शांति की अपील। आइए देखते हैं कि इस पर किस देश ने क्या कहा है। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए लिखा, इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ खड़े हैं। दोनों मुल्कों के बीच जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैं उन आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं जो वर्तमान में इसराइल पर हो रहे हैं। मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके करीबी लोगों के प्रति अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करता हूं। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इसराइल ही जिम्मेदार है। कतर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो इसराइल को गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ असंगत युद्ध से रोके। इधर ब्रिटेन ने भी इसराइल का साथ दिया है। जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन इजरायली नागरिकों पर हमास द्वारा किए गए भयानक हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ब्रिटेन हमेशा इसराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करेगा। इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच अमेरिका ने इसराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा है, हम एक स्वर से इसराइल पर हमास के आतंकी हमले की निंदा करते हैं। हम इसराइली सरकार और इसराइली नागरिकों के साथ खड़े हैं। हमले में जिनकी मौत हुई है उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।